खरगोन जिले के महेश्वर में प्रभारी लोक निर्माण और पर्यावरण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा विशाल स्वास्थ्य शिविर सहित विभिन्न कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान मंत्री वर्मा ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा, रंगा बिल्ला नाम को पुराना बताते हुए उन्हें खतरू और तड़ी पार कहते हुए उनसे बचने को कहा। वहीं पूर्व मध्य प्रदेश सरकार के घोटालोबाजों को सलाखों के पीछे डालने की बात कही। कार्यक्रम में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो और कांग्रेस के विधायक सहित नेता मौजूद थे। सज्जन सिंह वर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के रंगा बिल्ला नाम हुए पुराने, अब तो खतरू एवं तड़ी पार लोग, इनसे जितना बच सको बचो। मंत्री ने कर्नाटक और गोवा को लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। कर्नाटक और गोवा में लोकतंत्र को छिन्न भिन्न किया जा रहा, लोकतंत्र के ताने बानों को तोड़ा जा रहा, इसके लिए जनता को सोचना होगा। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में दो जो आ गए हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, अब रंगा बिल्ला तो पुराना हो गया भाई, नहीं तो बड़े खतरू लोग आ गए, तड़ी पार लोग। अब ये जो ना करे वो कम है, पर देखिए देश की जनता को सोचना और समझना पड़ेगा कि आपने 5 साल के लिए जनादेश देती है एक सरकार को जनता, इस तरह से छिन्न भिन्न करना लोकतंत्र के ताने और बाने को, क्या ये स्वस्थ परंपरा है? क्या यही लोकतंत्र है? इस पर तो जनता को न्याय करना पड़ेगा, जनता को सोचना पड़ेगा कि एक बार वो वोट डाल के आया है, 5 साल के लिए डाल के आया है, क्या आप फिर से चुनाव कराना चाहते हैं, मध्यावधि कराना चाहते हैं? क्या यही जनता के भाग्य में लिखा प्रदेश और भारत की जनता है? ये जनता को न्याय करना है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये मैं कह सकता हूँ। फाइलें खुलेंगी, आपने बोला तो फाइलें खुलेंगी। फाइलें खुली हुई हैं, अब तो रिपोर्ट आएगी पटल पे, फाइलें तो खुली हो, 15 साल इनकी सरकार थी तो फाइल इधर से उधर डोलती रही, तेरा मन डोले मेरा तन डोले। अब फाइल आएगी, पेंशन घोटाला है, सिंहस्थ घोटाला है, व्यापम घोटाला है, अभी डंपर वाला भी वापस आ रहा है बाहर, तो कई घोटाले आए, कार्रवाई होगी। अरे भाई, ये फाइल जिन्न निकल के बाहर आ जाएगा, वो पूछेगा सरकार से, बोल मेरे आका क्या हुक्म है, तो वो फाइल में जो लिखा रहेगा कि यही हमारा हुक्म है, कि अपराधी है तो अपराध जेल की सलाखों के